तो हम बेसिकली इसमें रेशोज एंड आइडेंटिटीज सीखेंगे। ठीक है, मैथ्स में दो ऐसे चैप्टर है जिसमें हमें रटना पड़ता है, उसमें से एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूलेज नहीं याद होंगे तो फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में अपन फॉर्मूले रटेंगे। ठीक है, तो जो बहुत बेसिक फॉर्मूले तुम्हें बचपन से याद है वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ना टी ऐसा लिखा है मतलब टेन थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और एक और होता है वन प्लस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो याद है टेंथ के नॉलेज से। अच्छा, एक इनके अलावा कुछ और भी याद है कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री वाले ये तो अपने देख लिया था। साइन ए एस टी सी रूल, प्लस होगा माइनस होगा वो ए एस टी सी से डिसाइड होगा। ठीक है, अब इनके आगे वाले फॉर्मूले रटना शुरू करते हैं। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इवन या ऑड फंक्शंस का, ये वर्ड ट्वेल्थ में आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई इवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और वो इवन फंक्शन है, अभी बाद में समझना इवन ऑड क्या होता है, बट डेफिनेशन क्या होती है उसकी, कि अगर एफ ऑफ एक्स है तो वही एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर भी होगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स के बराबर होता है। अभी लोड मत लो इस चीज़ का, काम की बात क्या है, काम की बात है कि साइन इज एन ऑड फंक्शन, साइन इज इक्वल्स टू ऑड फंक्शन। तो मतलब साइन साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ये याद रखना है हमें क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। बट कॉस इज एन इवन फंक्शन, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होता है। तो ये मेमोरी में याद को कुछ कुछ लॉजिक नहीं है इस बात का, मेमोरी में याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगा कभी ना कभी। तो पहले सेट ऑफ फॉर्मूलेज हम देख रहे हैं, जब अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो वो क्या बन जाते हैं। तो अब लिखना शुरू करूँ, ये लिख सकते हो तुम इवन और ऑड वाला, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। तो देखो, फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, कि अगर साइन माइनस थीटा है तो इट विल बी माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो इट विल बी कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा है तो इट विल बी टेन थीटा, नेगेटिव ऑफ टेन थीटा, टेन भी ऑड फंक्शन है, टेन इज ऑल्सो ऑड। सॉरी, ये तो इवन वाले में लिखा गया। और इनके रेसिप्रोकल भी इन्हीं के जैसे है, जैसे साइन का क्या होता है कोसेक, तो कोसेक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स, इसका नेगेटिव इसका इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो सेक माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेक एक्स, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स।
हाँ यस ये यस 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 ये गलत लिख दिया, sec x ही होना चाहिए, वो cos का इवन फंक्शन होता है इस वजह से। ठीक है ये समझना है, समझना कुछ नहीं है, रटना है। और अब देखते हैं फॉर्मूलेज फॉर कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स मतलब सम या डिफरेंस, जैसे दो अलग अलग एंगल हैं ए प्लस बी, उनका सम या डिफरेंस। तो देखना सबसे पहला साइन ए प्लस बी, ठीक है साइन ए प्लस बी हमको करना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद रखना इसको एकदम तेजी से, ठीक है। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंटली ये याद रखना है, क्योंकि माइनस वाला तो जनरेट कर लेंगे हम, फिर एक याद रखना है कॉस ए प्लस बी वाला, इसका होता है कॉस ए कॉस बी, ये उल्टा चलता है, यहाँ पे प्लस है ना तो यह माइनस आ जाता है, माइनस साइन ए साइन बी, इसको ऐसे याद रख सकते हो। साइन में साइन कॉस अल्टरनेट है प्रोडक्ट में और उनका सम है, कॉस में लेकिन कॉस कॉस है तो साइन साइन है, बट प्लस की जगह यहाँ माइनस है। किधर साइन ए, यस ये कॉस भी होगा, यस बी है यहाँ पर अल्टरनेट है ना, दोनों इकट्ठे नहीं है आ सकते, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, साइन टू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें सिंप्लीफाई करके थीटा के टर्म्स में। तो देखो साइन टू थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन टू थीटा के अंदर रिटर्न है साइन थीटा प्लस थीटा है ना, ए प्लस बी, जिसमें ए भी थीटा है और बी भी थीटा है, और उधर रख सकते हैं किसी फॉर्मूले में साइन वाले में, तो इस वाले में रख दिया ये वाला। साइन ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी, अब ए और बी सेम ही है थीटा ही थीटा है, प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये याद रखना है, दिस वी हैव टू रिमेंबर, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा निकालो,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देना है, ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इनमें भी कुछ वो होता है, इनमें भी कुछ रिश्ता होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे हमने वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो ये एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या बन जाएगा ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये याद रहे चाहे ये याद रहे चाहे ये याद रहे, सब सेम चीज़ है, और किस सिचुएशन में किधर कैसा क्या यूज़ करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा को हम तोड़ के ही लिख सकते हैं साइन टू थीटा प्लस थीटा, तो इसको खोल के लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ए टू थीटा है और बी थीटा है, तो ये और इसको खोल सकते हैं साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा देखेंगे वहाँ से खोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक, सी मतलब कॉस थीटा, एस मतलब साइन थीटा। तो अब क्या कर दिया जाए, अब ये साइन को लिया जाए थोड़ा कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कुछ एक मिनट, हाँ ठीक है सेम ही है, ये सेम ही है साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थ्री साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ये याद रख सकते हैं साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू, ये कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ऐसा होता है फॉर्मूला, थ्री साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक काम करते हैं कॉमन लेते हैं कुछ, थ्री थ्री कहाँ से आया था साइन इंटू कॉस स्क्वायर, और यहाँ से भी साइन इंटू कॉस स्क्वायर जनरेट हुआ, फिर लगा ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, टू साइन थीटा टू साइन ए, तो ये स्क्वायर कैसे आ गया यहाँ पर, अच्छा ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा होता है फिर साइन टू थीटा लिख दिया, तो टू साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वहाँ से ब्रैकेट ओपन, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस साइन क्यूब थीटा, अब थ्री साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर आता है जहाँ तक मेरे को याद है, इसमें साइन थ्री थीटा
थ्री साइन है माइनस कॉस को कन्वर्ट कर लो। हाँ ठीक है, देखो कुछ नहीं सही किया है, पर अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है ये, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, तो थ्री साइन इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से हटा दो, पूरे के पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो, माइनस साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस थ्री साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। फिर कॉस क्यूब कॉस थ्री थीटा तो बनाते हैं, कॉस थ्री थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थ्री थीटा, बताओ क्या कॉस है, कॉस भी माइनस साइन, यस ये भी याद रख लेना, मतलब समझ लो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा याद रखने वाला, उसका यूज़ करके ही हम ये सब कर रहे हैं। ये हो गया फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये भी निकाल सकते हैं हम सेम सिचुएशन से, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा बाद में निकालेंगे, पहले टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी भी सेम फॉर्मूले से टेन को साइन में कन्वर्ट, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, खोल लिया तो ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसको पूरे को डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला तुम्हें पता होगा इसका टेन ए प्लस बी का, तो ये बहुत रेडीली एक्सेप्ट कर रहा होगा कि किस चीज़ से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वन जनरेट कर रहा है तो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे पूरे सबको। कॉस ए कॉस बी इसी चीज़ से, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, टेन ए बचेगा, तो टेन ए। ये तो अपन ने वो प्रॉपर्टी से लिखा, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। हाँ ए प्लस बी होगा ना, जो यहाँ है वही तो यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, और लेकिन यहाँ माइनस क्यों होगा? क्योंकि इसका फॉर्मूले में जब खोलते तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया टेन ए। हमने इसको डिवाइड किया कॉस ए कॉस बी से, तो ये वाली टर्म भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगी, ये वाली टर्म भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगी, ये भी इससे डिवाइड होगी, ये भी इससे डिवाइड होगी। तो जब ये कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगी तो कॉस बी से कॉस बी तो कट जाएगा, साइन ए बाय कॉस बी टेन ए, साइन ए बाय कॉस ए बचेगा, तो दैट इज टेन ए। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा? कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो ये तो कॉस ए कट गया इससे, लेकिन साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी क्या बनेगा? टेन बी। तो ये हो गया टेन ए माइनस सॉरी प्लस टेन बी। अब ये पूरा का पूरा उसी से डिवाइड होगा, सेम ही है वो, तो ये हो जाएगा वन, और माइनस साइन ए बाय कॉस ए इज टेन ए, साइन बी बाय कॉस बी इज टेन बी, तो टेन ए टेन बी प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ए प्लस बी। ठीक है, ये सब याद रखने हैं। टेन थ्री ए भी लिख सकते हैं, टेन थ्री ए कैन बी रिटन एज टेन टू ए प्लस ए। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ टेन टू ए प्लस ए मतलब ए प्लस बी, तो दिस इज मान लो ये स्मॉल ए ये स्मॉल बी, तो अपना फार्मूला बनता है टेन ए, टेन ए क्या है यहाँ पर टेन टू ए, मतलब मैं बोल को इसको ऐसे अल्फा बीटा बोलो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा इज टेन अल्फा माइनस प्लस टेन बीटा। हाँ टेन टू, अच्छा ओके, हाँ चलो टेन टू थीटा भी निकाल लेते हैं, टेन टू थीटा इज टेन थीटा प्लस थीटा, ए और बी दोनों ही एक ही है उसमें सेम है, तो ये क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी। डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये हो गया हमारे पास टू टेन थीटा, और ये हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन टू थीटा भी याद रख सकते हैं रेडीली। फिर आ गए टेन थ्री ए पे, तो टेन टू ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा,
टेन टू ए को फर्दर वो लिख सकते हैं वो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, नोटबुक में ही करो तुम लोग। टेन ए को टी लिख लेते हैं, तो फाइनल इज 3 tan theta - 10 cube theta, मतलब ए के टर्म्स में ना, ए जो भी थीटा 1 - 3 tan square theta, दिस इज 10 3 theta। इनवर्स वाले तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये नहीं करते हैं ना, इसको स्किप कर देते हैं। जैसे sec a प्लस बी है, तो इसको कुछ नहीं, 1 upon cos a + b करके खोल लो, फिर आ जाओ cot tan upon वाले जो हैं reciprocal वाले वो यूँ हो जाएंगे। फिर इसके बाद इस सेट के फॉर्मूले देखना, जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने जितने भी फॉर्मूले देखे तो हमने सम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे साइन ए प्लस बी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ कुछ आ गया, कॉस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए सॉरी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एक टर्म है बट यहाँ पे दो टर्म है ना, तो दो टर्म को हमने हमने क्या किया, एक टर्म को दो में कन्वर्ट कर दिया, बट अभी उल्टा करना है, जैसे साइन ए प्लस साइन बी इसको हम दो टर्म्स हैं और इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, ये समझ में आ रहा है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अलग अलग है, दीज आर अलग अलग, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये देखो साइन ए प्लस साइन बी इज 2 sin a + b/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए प्लस बी बाई टू, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी, यहाँ माइनस आता है,
तो साइन ए माइनस साइन बी, देखो इसके स्ट्रक्चर से हम इसका कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हो जाएगा टू साइन, देखो यहाँ पे क्या साइन में ए प्लस बी था और कॉस में ए माइनस बी था, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, साइन में ए माइनस बी होगा और कॉस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा कॉस ए माइनस प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों ही कॉस कॉस रहेंगे। दोनों ही कॉस रहेंगे, एक प्लस एक माइनस, और फिर कॉस ए माइनस कॉस बी, इसमें दोनों साइन साइन रहेंगे, दोनों साइन साइन। बट एक डिफरेंस रहेगा कि एक माइनस भी आएगा यहाँ पर, बस वो थोड़ा सा पैटर्न के अलग पड़ रहा है। कॉस क्या, अबे कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट है, तुझे देखना होगा डेरिवेशन तो वीडियोस में देख लेना, कोई काम नहीं आएंगे, रीअरेंजमेंट है बस ये, मतलब ये हमें याद रहेंगे फिर हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। हमें एनसीईआरटी टारगेट देती है कि हमें ये याद होने चाहिए, तो कैसे आए वो देख लेना, उसमें क्यूरियोसिटी हो तो। अभी स्ट्रक्चर रटने पर ध्यान दो, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी अपन कर पाएंगे आगे क्वेश्चन। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब जो हमने नई सीखी। तो साइन पैटर्न याद रखो, साइन ए प्लस साइन बी, देखो हर जगह ए प्लस बी बाई टू तो आ ही रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे साइन ए कॉस आया, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी है तो साइन कॉस आया, साइन के साथ साइन कॉस ही आता है, बट कॉस के साथ या तो कॉस कॉस आता है या तो साइन साइन आता है। यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस, अल्टरनेट है ये, ए प्लस बी बाई, ये हमेशा अल्टरनेट है, जो ब्रैकेट के अंदर सम लिखा गया या माइनस डिफरेंस लिखा गया, तो देखो यहाँ पे सम डिफरेंस है, कहीं 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 ऐसा नहीं दिखेगा कि सम ही सम हो या डिफरेंस ही डिफरेंस हो, तो सम डिफरेंस, सम डिफरेंस, यहाँ पे सम डिफरेंस, यहाँ पे सम डिफरेंस। ठीक है, साइन में याद रखना है कि अल्टरनेट साइन और कॉस दोनों आएंगे, यहाँ पे याद रखना है कि ये आएंगे, और बस ये हाईलाइटेड पॉइंट है, दिस इज टू बी नोटेड, ये पैटर्न पकड़ के नहीं हो पाएगा, तो ये हमें बार बार लिखने पड़ेंगे, बार बार आएगा जब हमारे सामने तब याद होंगे ये फॉर्म से। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई a माइनस बी ना लिखते हुए b माइनस ए लिख दे यहाँ पे, अच्छा यहाँ साइन तो आए नहीं, एक मिनट, दिस मस्ट बी साइन a माइनस बी बाई टू, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये माइनस इधर कंपनसेट कराया जा सकता है ना, मतलब कि साइन उल्टा हो जाएगा अगर ये माइनस उससे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो, तो दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न है साइन ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन बी माइनस ए बाई टू, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अभी रिवाइज करते हैं कितने फॉर्मूलेज हमें याद, क्या इसमें टेन ए और टेन, टेन ए माइनस टेन भी लिखना है, तो अभी उस पर आते हैं धीरे धीरे, अभी ज़रा जितने पढ़ लिए उतने रिवाइज करते हैं। तो अपनी कॉपी का कोई ऐसा पेज लो आखिरी आखिरी वाला, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हो, और ये फॉर्मूले लिखो।
बिल्कुल कुछ भी देखना नहीं है, गलत लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद करने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 2 sin theta cos theta, ये हो गया cos² theta - sin² theta, ये हो गया 1 2 tan theta upon 1 - tan² theta, ये -10x, ये हो गया 2 sin a + b/2 और cos, यहाँ पे माइनस है तो sin वाले के साथ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये 2 sin a + b/2 sin a - b/2 और यहाँ पे नेगेटिव। ये मैंने तुमसे पहले ही लिख दिया क्या? खुद से लिखो, ये खुद से लिखो, ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, फिर हम अगली क्लास में पढ़ पाएंगे क्वेश्चंस। लिखो लिखो, कुछ भी याद है लिखो, फिर गलत होगा फिर सही होगा, तुम किसको किस कौन सा याद नहीं आ रहा? 3 theta वाला। हाँ, कुछ क्यूब का देखो, इसको याद रखने, कुछ क्यूब होता है और कुछ सिंपल भी होता है, यहाँ पे भी क्यूब और कुछ सिंपल होता है, और 4 भी आता है, 4 आता है और 3 आता है, 4, एक बोलो 4, आदर्श बोलो, थीटा प्लस -4 sin³ theta और ये प्लस साइन थीटा, 3 किधर आएगा? 3 cos क्यूब या पावर 4? पावर 4 नहीं, हाँ हाँ पावर 4 नहीं, हाँ क्यूब 4 cos थी, और प्लस या माइनस है ना, इसमें प्लस है, ये याद रखना, देख लो चेक कर लो सही है कि नहीं, मैंने भी रटे थोड़ी है। ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाले में भी माइनस, 4 cos³ theta है, और ये 3 है यहाँ पर, ठीक। तो आज का तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं, कल इनका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, तुम्हें खाली कागज़ पे लिखने हैं, रिमेम्बर नहीं मेमोराइज, रट लो इनको। नहीं, इनका नहीं, वो और भी मतलब जो 10 3 theta
अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कौन कौन से रटने हैं, इतने काफ़ी हैं, ये इतने काफ़ी हैं, इतना ही दिमाग लगाओ, इतने ही काफ़ी हैं, ये भी लिख लो, ये वाले भी लिख लो, साइन ए प्लस साइन बी और कॉस ए प्लस कॉस बी, एंड नेक्स्ट क्लास में लिखना है खाली कागज़ में।